कितना जल्दी हो सके अपना रास्ता नापो वरना क्या बाबा दिन ढलने वाला है और रात होते ही इस बंगले से भयानक आवाजें आना शुरू हो जाती है सारा माहौल डरावना हो जाता है और तब यहाँ कोई नहीं ठहर सकता बाबा आप भी नहीं हाँ मैं भी नहीं चलो अब रात होने वाली है और मैं भी चलता हूँ बाबा मगर ये तो बताया ही नहीं कि इस बगले में ऐसा क्या है जो लोग इसे भूतों का बगला कहते हैं क्या सचमुच यहाँ भूत रहते हैं सुनो बच्चों ये पीला बंगला कभी अंग्रेजों का शिकारगाह था जानवरों की खूब भरमार थी और यहाँ अंग्रेज शिकार खेलने आया करते थे पर एक दिन एक अंग्रेज ने मेरे जैसे काले कपड़े पहने फकीर को जानवर समझकर गोली चला दी और जानते हो फकीर उसने भूत बनकर अंग्रेजों को खूब परेशान किया तब से यहाँ अंग्रेजों का आना जाना बंद हो गया और ये बंगला फिर से उजाड़ हो गया मगर उस भूत को नक्टा भूत क्यों कहते हैं? वह फकीर नक्टा था इसीलिए नक्टा भूत बना चलो अब तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही होगी रात हो चुकी है और मैं भी चलता हूँ बाबा जी आपने इतनी सारी बातें बताई इसके लिए आपका धन्यवाद अरे बच्चों हम फकीरों का जन्म इसीलिए होता है कि हम सबको सही मार्ग दिखलाए अच्छा अब मैं चलता हूँ क्या तुम्हें उस फकीर की बातें सच्ची लगी मुझे लगता है वो फकीर हमें डराना चाहता था और वो भी भूतों से कहाँ चले गए मेरा तो डर के मारे बुला हाल अगर आपके पीछे साहब आ जाते तो और मेरे से पूछते तो मैं क्या जवाब देता अरे गुरुजी पापा क्यों परेशान होते हो हम तो सिर्फ पीले बंगले की तरफ गए थे आज तो केवल बाहर से देखा कल अंदर जाकर जरूर देखेंगे हे भगवान इन बच्चों की रक्षा करना बेटा वहाँ हरगिज मत जाना जो पीले बंगले चला जाता है वापिस नहीं आता काका तुमने पीले बंगले में फकीर को देखा होगा वहाँ कोई फकीर वकीर नहीं रहता बेटा
कोई फकीर नहीं रहता, वहां साया भी नहीं रहता फकीर का। काका परेशान होने की जरूरत नहीं, और फकीर ने हमें ये बंगले के बारे में बहुत सी बातें बताई। अच्छा काका, हमें भूख लगी है, हमें खाना खाने दो। अच्छा बेटा खाना खाओ, मैं कोई दूसरा काम देखता हूँ। पापा को ये बंगले जाने से और माँ की बातों से डर क्यों लगता है? मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। यार आलोक, अब कुछ नया खेल खेलना पड़ेगा। कौन सा खेल? पीले बंगले का। हाँ ये रही मेरी चाल। जिमीदार साहब, ये तो आपने बड़ी खतरनाक जगह चली। खैर कोई नहीं, अभी देखते हैं। ये देखिए, ये आया मेरा वजीर, और अब आप संभालिए अपने वजीर को। आप अपने वजीर के चक्कर में ही उलझ गए, बादशाह क्यों आपको कोई चिंता नहीं? ये हुई आपके बादशाह की मात। नहीं 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 जिम्मेदार साहब, ये तो गड़बड़ होगी, अब दोबारा से खेलेंगे। एक बात है जिम्मेदार साहब, आप शतरंज में हमें तो मात दे सकते हैं, लेकिन हमारे बेटे को मात नहीं दे सकते। होशियार बच्चा है जी, उसके पास एक तोता है, उसने तो डाकुओं को भगा दिया। रेंजर साहब, उस तोते को तो हम भी देखेंगे। जरूर दिखाएंगे, लेकिन पहले आप गेम तो खेलिए। आइए आइए, लेकिन दोबारा से खेलेंगे जमींदार साहब। ठीक है, और खेल लेते हैं। चलिए बच्चे, कहाँ से जा रहे हो? कहीं नहीं, यूं ही घूम रहे थे। कहाँ से आए हो? डाक बंगले से। हाँ हेलो, मैं ध्यान से देखो कहीं वही डाकू तो नहीं। अरे तो तुमने इन्हें पहचाना? ये वही हैं जिनकी हमें तलाश। हेलो, अब भागो यहाँ से। अरे भागना नहीं, गोली मार दूंगा। आज हम इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये जिंदगी भर याद रखें। पर इसमें हमारा क्या कसूर? कसूर पूछते हो? तुमने तो उस दिन हमें तोते के जरिए डराया था। तुम दोनों में से विश्वास कौन है? हमें पता चला ये सारी खर्चों तुसी की है। अरे क्या बात करते हो, विकास भैया तो कुछ बुखार में है। ये रमेश और वे आलोक। ये रमेश रात भर में कहाँ से आ गया? ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा? हमें पता चला है कि आलोक तो रेंजर का बेटा है और विकास उसका दोस्त। इन दोनों ने ही हमें डराया था। हमने तो मजाक किया था, आप डर गए, इसमें हमारा क्या कसूर? भला कोई तोते की आवाज से डरता है? तो मजाक कर रहे थे। चलो इन्हें जंगल के रास्ते ठिकाने पर ले चलो। मिल गए, पकड़ लिया ने, चलो लेके अंदर चलो। चलो बैठो। आलोक, ये हम कहाँ आ गए? ये जगह तो कोई खाने जैसे लगती है। सोचो यहाँ से कैसे निकले, और वही तो सोच रहा हूँ।
उन्हें खाना लाकर दे देना, एक घड़े में पानी रख देना और एक गिलास। पर ये रुकेंगे कब तक यहाँ पर? आज रात को तो रहेंगे ही, बाकी सरदार आएंगे बताएंगे क्या करना है। पर देख लेना भागने ना पाए। ठीक है। हाँ। पता नहीं बच्चे किस हाल में होंगे। सुनो जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या धीरज रखो, तब तक आप यही कह रहे धीरज रखो धीरज रखो, तब तक मैं धीरज रखू। बिहारी काका याद करो, बच्चे तुम्हें कुछ तो बताकर गए होंगे। नहीं मैम साहब, वो मुझे कुछ नहीं बताकर गए। जब वो गए तो मैं घर पर नहीं था। पर वो कहीं तो गए होंगे। ऐसा तो नहीं मैम साहब, वो कहीं पीले बंगले की तरफ चले गए। पीले बंगले? लेकिन पीले बंगले के बारे में उन्हें किसने बताया? क्या बताऊं साहब जी, वो जंगल के बारे में पूछ रहे थे, मेरे मुंह से ही निकल गया। सत्यानाश, फिर तो वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। कहीं डाकू तो नहीं उठा कर ले जाएंगे? डाकू ने क्यों उठा कर ले जाएंगे, उन बच्चों ने डाकू का क्या बिगाड़ा साहब जी? अरे बिहारी, डाकू किसी के सगे नहीं होते। अगर उन्होंने मुझसे फिरौती मांगी तो मैं कहां से लाकर दूंगा? और फिर विकास के घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगा? अरे तुम तो मेरे लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर अमर, मैं तुम्हें फोन मिला रहा था। हाँ वो क्या, हाँ पीले बंगले के बारे में कुछ पता लगा है। ठीक है, तुम मुझसे मिलो, जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ 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 ओके, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं। लो खाना खा लो, और दोनों एक ही में खा लेना। क्या सड़ा हुआ खाना दिया? ये वो दो लड़के जिन्हें लाने के लिए आपने कहा था, इनमें से एक का नाम तो आलोक है, दूसरे का भी कुछ पता नहीं। ठीक है, इन दोनों में से तो मैं एक को पहचानता हूं, अब रहने दो, कल देखेंगे। चलो आयु, तेरा सब बिल्कुल सही साबित हुआ। वो कैसे? बाबुओं का सरदार कोई और नहीं, मामा जी का मित्र बना वो लंबी लंबी मूछों वाला जमींदार ही है। देखो बेचारा, वो दो दिन पहले पापा जी के पास आया था और तब मामा जी ने हमारी बहादुरी की दास्तान सुनाते हुए सारी बातें सुना दी और इसी कारण हम फंस गए। पीला बंगला इसी कड्डा लगता है। हाँ गुड इवनिंग रेंजर साहब। गुड इवनिंग रेंजर साहब, सचमुच इस इलाके का माहौल काफी बिगड़ चुका है। आपके नौकर बिहारी का कहना है कि वो बच्चे पीला बंगला देखने गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो पीले बंगले में छुपाए गए हैं। उस बंगले में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ किसी को छुपा कर रखा जाए। शंका तो है ही, आपके कहने से पहले ही मैंने वहाँ दो सिपाहियों को तैनात कर दिया है। आप कहें तो कुछ और जरूरत भी पड़ेगी, मैंने वहाँ तलाश करने के लिए अपने आदमी भी लगा दिए हैं। रेंजर साहब, वैसे भी वो पीला बंगला मेरे शक के दायरे में है। ये मुझे चोरी छुपे जंगल काटने वालों का अड्डा लगता है। सोचता हूँ क्यों ना आज रात छुपकर वहाँ छापा मारा जाए। You're right, इंस्पेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके में कोई ऐसा गैंग है जो ये सब गलत काम कर रहा है। रेंजर साहब, हैरानी तो तब है कि पुलिस की हर कार्यवाही का इस गैंग को पता कैसे लग जाता है। पुलिस ने जब भी कार्रवाई करने की कोशिश की है उसे असफलता ही मिली है। ये किसी मुखबिर का काम लगता है। बिल्कुल, मगर कौन ये पता लगाना थोड़ा कठिन हो रहा है।
लेकिन एक ना एक दिन इसका राज जरूर खुल जाएगा। वैसे जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी आपसे मिलना चाहता है, इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, तुम जाओ। सरकार, मेरा नाम राम लखन है सरकार, तो पास के गांव का रहने वाले हैं। मैं कुछ आपको सूचना देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो। अरे घबराने की कोई बात नहीं, ये अपने मित्र हैं। सरकार, कल शाम को दो छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के होंगे सरकार, उनको दो आदमी अगवा करके ले जा रहे थे सरकार। तुमने उन लोगों को कहाँ देखा? सरकार, वो जो पीला बंगला है सरकार, उसकी झाड़ियों के पास, हम वहीं से जा रहे थे सरकार। उनको देख के हम छुप गए और उनकी बात सुनी, क्योंकि हमको पता चला सरकार कि वो दोनों बच्चे डाक बंगला के हैं सरकार। क्या तुम उन लोगों को पहचान सकते हो? हाँ सरकार, हम उनको पहचान लेंगे। ठीक है, चलो आओ सरकार। चलो इंस्पेक्टर, चलते हैं। मैं जल्दी आ जाऊँगा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। ओके। काज बटवा, आलोक बटवा, काज बटवा, आलोक बटवा, काज। रेंजर साहब, ये है इंस्पेक्टर रावत, कल ही ज्वाइन किया है, मिस्टर कुलकर्णी की जगह आए हैं। हेलो। हेलो, आई एम श्याम सुंदर। ये माजरा क्या वर्ष मैटर सर? यहाँ किसी की लाश पड़ी हुई है। लाश? किसकी लाश? राम लखन की लाश है सर। राम लखन? इंस्पेक्टर, ये वही राम लखन तो नहीं जो कल हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था? जी हाँ रेंजर साहब, ये वही राम लखन। ओह माय गॉड, उन कमबख्तों ने इसे भी मार डाला। पीले बंगले की क्या रिपोर्ट है? रेंजर साहब, कल मैं पीले बंगले गया था। मिस्टर रावत को वहाँ कुछ बीड़ी सिगरेट के टुकड़े और कुछ पैरों के निशान भी मिले, मगर बंगला अंदर से वीरान है। इस बारे में हम कल बात करेंगे, अभी इस लाश को उठवाने का इंतजाम करवाइए। लाश उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ठीक है सर, मैं अभी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाता हूँ सर। चलिए चलिए। हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। डाकू तो नहीं आवाज़ आई है?
चलो उधर देखते हैं। चलिए। रेंजर साहब आवाज यहीं से आ रही थी लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा और डाकू भी गायब है, ये क्या माजरा है? लगता है डाकू ने हमें धोखा देने के लिए कोई ख्याल चल रहा है। आसपास की जगह देखता हूँ। बिल्कुल नहीं रावत, ऐसा गजब ना करना। छुपे हुए डाकू ने कहीं फायर कर दिया तो? लेकिन फिर करें क्या? सावधान रहकर इंतजार करते हैं। लगता है ऊपर कोई है। जो कोई भी है नीचे आ जाए वरना सचमुच गोली मार दूंगा। मामा जी मैं हूँ, मैं विकास, यहाँ पेड़ पर हूँ। विकास तुम ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे आओ आराम से, धीरे से बेटा। बाबा जी। हाँ बेटा। डाकुओं का अड्डा पीले बंगले के तहखाने में है। डाकुओं का अड्डा पीले बंगले के तहखाने में है? हाँ, और आलोक भी वही है। आलोक भी है? तुम मालूम है वो तहखाना कहाँ है? हाँ, मेरे साथ चले। चलो बेटा आओ। इस वक्त विकास, मिल जाएंगे बच्चे, क्यों चिंता करती हो? मिल जाएंगे, आओ आओ मैं सर। हाथ ऊपर। पापा, इंस्पेक्टर अमर गिरफ्तार कर लेंगे। चलो चलो जमींदार, तुमने सोचा होगा कि तुम्हारी इन हरकतों का किसी को पता नहीं चलेगा है? हाथ ऊपर। चलो सिपाहियों डाल दो इन्हें अंदर। रावत ले जाओ इन्हें। चलो चलो। मम्मी। रेंजर साहब अब आप समझे जमींदार की असलियत, यही सफेद पोश अपराधी हत्या अपहरण डकैती जैसे अपराधों में लगे हैं, हमारे देश की अमन शांति के दुश्मन हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो इंस्पेक्टर। रेंजर साहब सचमुच ये बच्चे गजब के साहसी और बुद्धिमान हैं, हमें इन पर नाज है। हाँ, ये बच्चे नन्हे फूल हैं, हमारे देश के रखवाले। बिल्कुल, अगर बच्चे साहसी हों तो इनकी साहस की गंध से देश में फैली दुर्गंध, चाहे वो प्रदूषण की हो या दूसरी बुराइयों की, दूर हो सकती है। आइए हम मिलकर इन देश के रखवालों का अभिनंदन करें। इंस्पेक्टर, सिर्फ हमारे बच्चे नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के बहादुर बच्चे हैं, ये देश के रखवाले। मेरे बहादुर बच्चे।
सबके सब ये।